अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पिक्चर बुक वन नंबर्स। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट वन एंड टू। नाउ वी विल लर्न अबाउट नंबर थ्री, पेज नंबर सिक्स। व्हाट इज दिस थ्री? इसका नेम क्या है? नंबर थ्री। इससे पहले कौन सा नंबर था? वन, देन टू, और अब क्या है? थ्री। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। हेयर इज अ सीन और अ इमेज। यहाँ पे एक सीन है या एक इमेज है। इस इमेज में एक हाउस है, एक बॉय है और इधर कुछ बर्ड्स हैं। अब ये बॉय क्या कर रहा है? इन बर्ड्स को दाना डाल रहा है। हेयर आर थ्री बर्ड्स। कितने बर्ड्स हैं? वन, टू, थ्री। हेयर आर थ्री बर्ड्स। यहाँ पे तीन परिंदे हैं। हेयर आर थ्री बर्ड्स। कितने परिंदे हैं? वन, टू, थ्री। ये नंबर क्या है? थ्री। क्या है ये नंबर? थ्री। क्या नेम है इसका स्टूडेंट्स? थ्री। पेज नंबर सेवन। हाउ मैनी बर्ड हाउसेज आर देयर? बर्ड हाउसेज, परिंदों के घर। किनके घर हैं? परिंदों के घर। हाउ मैनी मतलब कितने बर्ड हाउसेज आर देयर? यहाँ पे परिंदों के कितने घर हैं? अब देखते हैं। वन, टू, थ्री। तो कितने घर हैं? थ्री। वन, टू, थ्री। देयर आर थ्री बर्ड हाउसेज। देयर आर थ्री बर्ड हाउसेज। Now it's time to study pre-primary level 1 mathematics. Page number 32. Let's listen and read. इसे सुने और पढ़िए। Number 3. ये कौन सा number है? 3. क्या नेम है इसका? 3. Let's count the birds. इन birds को count करते हैं। 1, 2, 3. कितने birds हैं? 3. How many birds are there? 3, 1, 2, 3. पेज नंबर 33, लेट्स ड्रॉ। ओके स्टूडेंट्स, इस पेज पे हम 3 को ड्रॉ करना सीखेंगे। हाउ टू ड्रॉ 3? जस्ट फॉलो द डॉट्स एंड द एरोज। ट्रेसिंग की मदद से हम लोग क्या करेंगे? 3 लिखना सीखेंगे। हाफ सर्कल, देन अगेन अ हाफ सर्कल। जस्ट फॉलो द डॉट्स एंड एरोज एंड ड्रॉ 3। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके ये दोनों कोने बराबर होने चाहिए और सेंटर से थोड़ा सा पीछे। लेट्स काउंट इट। 1, 2, 3। There are three birds. Page number 34. Let's trace and color. यहाँ पे इसको ट्रेस करना है और कलर करने हैं। First of all, let's count. 1, 2, 3. Three birds. Okay, let's start the tracing. Just follow the dots and the arrows and draw 3. Done. Moving to the next box. Just follow the dots and arrows and draw 3. ये दो आप खुद करेंगे इसी तरह से। Again, just follow the dots and arrows and draw 3. Again, just follow the dots and arrows and draw 3. Okay students, इसी तरह से आपने ये पूरे पेज की एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। पेज नंबर 35, लेट्स ट्रेस। अगेन वी हैव टू ट्रेस दिस वन। थ्री
थ्री बर्ड्स, वन टू थ्री, थ्री बर्ड्स. अगेन यू हैव टू फॉलो द डॉट्स एंड ड्रॉ थ्री. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने ये पूरा पेज सॉल्व करना है. पेज नंबर 36, सर्कल थ्री बर्ड्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ से जिस पे, यहाँ पे क्या बनी हुई है, ट्री की ब्रांच बनी हुई है. यहाँ पे जिस पे थ्री बर्ड्स हैं हमने सिर्फ उसे सर्कल करना है. लेट्स काउंट, वन टू थ्री, कितने बर्ड्स हैं, थ्री. और यहाँ पे हमने कितने सर्कल करने हैं, थ्री. सो वी विल सर्कल दिस वन. इस ब्रांच पे कितने हैं, वन बर्ड. इस ब्रांच पे कितने हैं, वन बर्ड. तो हम इन दोनों बर्ड्स को सर्कल नहीं करेंगे. पेज नंबर 37, जॉइन द डॉट्स एंड हेल्प द बर्ड टू फाइंड हर नेस्ट. इन डॉट्स को जॉइन करते हुए इस बर्ड की हेल्प करनी है. ये क्या है, ये गुम गया है, इसका ये नेस्ट बना हुआ है और ये वाला बर्ड क्या है, गुम गया है. अब हमने इन क्या करनी है, डॉट्स को जोड़ के इस बर्ड की हेल्प करनी है कि ये सही सलामत अपने घर चला जाए. लेट्स स्टार्ट, जस्ट फॉलो द डॉट्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डॉट्स नहीं दिए गए, इसलिए हमने इन डॉट्स को, ये बड़े सर्कल्स को फॉलो करते हुए क्या करना है, इस बर्ड को इसके घर पहुँचाना है. डन. अब क्या होगा, ये बर्ड इन डॉट्स को फॉलो करते करते अपने घर पहुंच जाएगा. पेज नंबर 38, मैच द नंबर्स विद द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमने करेक्ट नंबर के साथ उनको मैच करना है. नंबर वन इज टू, क्या ये टू है, नो. लेट्स काउंट, वन टू, कितने बिस्किट्स हैं, टू. So we will match this one. Number three. Let's count. One, one, two, one, two, three. There are three cookies. So we will match this one. Okay? Number one. There is one juice. Page number 39. Let's listen and read. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल. दो चीज़ें हैं, बिग एंड स्मॉल. बिग कहते हैं बड़ी चीज़ को, बिग कहते हैं बड़ी चीज़ को, और स्मॉल कहते हैं छोटी चीज़ को. बिग बड़ा, स्मॉल छोटा. बिग बड़ा, स्मॉल छोटा. इसकी एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग है बिग, लेकिन आपके पास जो इरेजर है वो क्या है, स्मॉल. लेट्स सी फ्रॉम दिस एग्जांपल. ये क्या है, हेन. ये क्या है, हेन. हेन क्या है, बिग. हेन क्या है, बिग. और ये क्या है, चिकी. ये क्या है, स्मॉल. ये क्या है, स्मॉल. बिग बड़ा, स्मॉल छोटा. बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. बिग का मतलब है बड़ा और स्मॉल का मतलब है छोटा. पेज नंबर 40, कलर द बिग स्क्वायर ग्रीन एंड स्मॉल स्क्वायर ब्लू. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, दो कलर्स का इस्तेमाल करना है. देख लेते हैं, ये है ग्रीन कलर और ये है ब्लू कलर. ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू. एक्टिविटी क्या है, कलर द बिग स्क्वायर ग्रीन. यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर है उसको हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन. कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन. बिग स्क्वायर को हमने ग्रीन कलर करना है और स्मॉल स्क्वायर को हमने कौन सा कलर करना है, ब्लू. कौन सा कलर करना है, ब्लू. स्टूडेंट्स इसकी आउटलाइन उन्होंने सेम कलर की दी है, ग्रीन कलर की आउटलाइन है ये, तो इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे. ये ब्लू कलर की आउटलाइन है तो यहाँ पे हम ब्लू कलर करेंगे. पेज नंबर 41, कट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स देन पेस्ट द पीसीज टुगेदर टू मेक अ फन पिक्चर. एक्टिविटी क्या है, डॉटेड लाइन्स को कट करके क्या करना है, उन पीसीज को जोड़ के एक फन पिक्चर बनानी है. अब यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिया गया, तो ये कहाँ से कट करना है, इस जगह से.
इन पिक्चर्स को कट करें, ये जो डॉट्स बने हुए हैं यहाँ से इनको सेफली कट करना है, और क्या करना है, इनको नंबर वाइज पेस्ट करना है। नंबर वन पे ये आएगी, टू पे ये, और थ्री पे ये, इनको यहाँ पे पेस्ट करके आपने फ़न पिक्चर बनानी है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि आपने कटिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी सीजर यूज़ करनी है, और देन किसी बड़े की गाइडेंस में यूज़ करनी है, और इस तरह से आपने इस पेज की एक्टिविटी को मुकम्मल करना है।